हेलो दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर्स हो, इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के एक ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि काफी पर्सन को फेस करनी पड़ रही है। मुझे काफी ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी सेम यही प्रॉब्लम है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी आईडी से, हमारा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उससे हम अपने नंबर को चेंज करना चाहते हैं, उसको बदलना चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है जो बराबर में स्क्रीनशॉट में आप यहाँ पर देख रहे हो। ये वाला इंटरफेस आ जाता है, ये नोटिस बार बार उनको आता है और उनका नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका नंबर चेंज क्यों नहीं हो रहा है और नंबर चेंज आप कैसे कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हो, और ये जो पॉपअप आपको बार बार देखने को मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है, इसका रीजन क्या है, सारी चीज अगर आप जानना चाहते हो, नंबर को चेंज करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम शाहिद और आप देख रहे हैं आईजी हेल्प यूट्यूब चैनल। चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम की आईडी से अपने नंबर को चेंज कर रहे हो और आपको ये वाला इंटरफेस, ये वाला एरर, ये वाला नोटिस आपको दिखाई दे रहा है वहां पर और आपका नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर एक चीज को समझना है। इंस्टाग्राम का एक नया अपडेट आया है, वो इसलिए आया है, ये जो अकाउंट हैक हो रहे हैं इस वजह से इंस्टाग्राम ने यहाँ पर एक अपडेट किया है। अपडेट ये किया है कि अगर हम अपने अकाउंट को जिस फोन के अंदर चलाया करते थे, जो पुराना हमारा फोन था उसी के अंदर अगर हम नंबर को चेंज करेंगे तो हमारा नंबर चेंज हो जाएगा, और अगर हम किसी न्यू फोन के अंदर अकाउंट को लॉग इन करके उसके अंदर नंबर को चेंज करेंगे तो यहाँ पर इंस्टाग्राम को पता है कि आपने यहाँ अपना जो अकाउंट है किसी न्यू फोन के अंदर लॉगिन किया है और उसमें आप अपने नंबर को चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए वहां पर आपको नोटिस दे रहा है। और इस नोटिस का मतलब है कि आप 2 से 3 दिन पहले अकाउंट को इसमें यूज करो, उसके बाद आप नंबर को चेंज कर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब इंस्टाग्राम का यह है कि 2 से 3 दिन आप अपने अकाउंट को इस न्यू फोन के अंदर यूज करो ताकि इंस्टाग्राम को पता चले कि आप ही इसके रियल ओनर हो। क्योंकि हो क्या रहा था यहाँ पर, ये जो अकाउंट हैक हो रहे थे, अब हैकर लोग क्या करते थे, जैसे कि अकाउंट हैक कर लिया, अब वो अपने यहाँ अपने डिवाइस में अकाउंट को लॉगिन करके उसका तुरंत से नंबर चेंज करते थे, तो वो वहाँ पर सारी चीज़ जो है चेंज कर देते थे। तो इसलिए इंस्टाग्राम ने यहाँ पर ये कहा है कि 2 से 3 दिन तक आपको यूज़ करना है। जब आप थोड़े से पुराने हो जाओगे अकाउंट को चलाते चलाते, 2-3 दिन पुराना आपका अकाउंट हो जाएगा उस न्यू फोन के अंदर, तो फिर आप जो है ये चीज़ कर पाएंगे और ये नोटिस आपका यहाँ पर हट जाएगा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये जो चीज़ आप यहाँ पर चेंज कर रहे हो, नंबर जो चेंज कर रहे हो, ये आप पुराने ही फ़ोन के अंदर चेंज कर रहे हो या फिर न्यू डिवाइस, न्यू फ़ोन के अंदर अकाउंट को लॉग इन करके, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर का किसी का भी हो या फिर आपके दोस्त का हो, मतलब मैं न्यू डिवाइस उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप बाजार से खरीद कर लाए, मार्केट से खरीद कर लाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम आपने अपने अकाउंट को किसी ऐसे फ़ोन के अंदर लॉगिन किया जिसमें पहले से कभी वो लॉगिन नहीं हुआ था, तो इंस्टाग्राम के अकाउंट के लिए वो जो डिवाइस है वो न्यू है। समझ गए आप मेरी बात? मैं कह रहा हूँ कि जो आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया किसी अलग फ़ोन में, तो वो अलग फ़ोन जो है वो तुम्हारे अकाउंट के लिए न्यू है। अब उसके अंदर आप अपना नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे। कितने दिन के लिए चेंज नहीं कर सकते? 2 से 3 दिन आपको उसके अंदर ऐसे ही अकाउंट को चलाना होगा। जब 2 से 3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में चेंज करेंगे तो ये नोटिस आपको नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इंस्टाग्राम यहाँ पर समझ जाएगा कि यही इसका रियल ओनर है, यही इसका असली मालिक है, क्योंकि 3 दिन से अकाउंट सही चल रहा है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये नोटिस आ रहा है, हैक वगैरह जो अकाउंट होते थे इसलिए ये चीज़ इसने किए, ये नया अपडेट है। अब बात यहाँ पर आती है कि आपको चेंज करना है तो 3 दिन का वेट करो, उसके बाद में चेंज हो जाएगा, या फिर आप अभी चेंज करना चाहते हो तो जो आपका पुराना फ़ोन है उसके अंदर पहले नंबर को चेंज कर लीजिए, क्योंकि पुराना फ़ोन तो आपके, जो पुराना फ़ोन है उसके अंदर आपकी आईडी चला करती थी, इंस्टाग्राम को भी पता है यही इनका फ़ोन है, यही इनका अकाउंट है, तो उसके अंदर अगर आप चेंज करोगे तो आपको कोई नोटिस दिखाई नहीं देगा, वहां से आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो बस इसका यही था, ये जो नोटिस आ रहा है इसका मतलब जो मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।